हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्रोशिए की बुनाई कैसे करते हैं सीखेंगे। दोस्तों, क्रोशिए की बुनाई धागे से भी होती है और ऊन से भी होती है। धागे से क्रोशिए की बुनाई करने के लिए अलग क्रोशिया होता है और ऊन से क्रोशिए की बुनाई करने के लिए ये अलग क्रोशिया होता है। धागे से क्रोशिए की बुनाई करने के लिए ये क्रोशिया, जिसके ये नोक जो हैं ये पतले होते हैं, ऐसे होते हैं। ये देखिए, ये है धागे का क्रोशिया। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो क्रोशिए की बुनाई बिल्कुल ही नहीं करना जानते, क्रोशिया चलाना भी नहीं जानते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ये ऊन का क्रोशिया होता है। ऊन का क्रोशिया थोड़ा मोटा होता है, ये देखिए ऐसा। इसके अलावा ये क्रोशिया, हर क्रोशिया का नंबर भी अलग अलग होता है। इस नंबर के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि ऊन के क्रोशिए का भी नंबर अलग अलग होता है। इस वीडियो में हम ऊन के क्रोशिए से ऊन क्रोशिया चलाना सीखते हैं, क्योंकि ऊन से क्रोशिया सीखने में आपको आसानी होगी। ये देखिए, ये मैंने धागा ले लिया, ऊन ले लिया, ये मैंने ऊन ले लिया। अब सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि लूप कैसे बनाया जाता है। सबसे शुरुआत में जब क्रोशिया स्टार्ट किया जाता है तो लूप बनाया जाता है। ये देखिए, ये हमने इसको ऐसे किया। ये देखिए, ये धागा है, ये ऊन है। इस ऊन को हमने ऐसे ऐसे किया, ये ऐसे किया, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम ऐसे लाएंगे, ऐसे ऐसे ये क्यू आकार का बना लेंगे, ठीक है। और इस बीच वाले हिस्से को ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे, ऐसे ऐसे। और फिर जो है, हम इस वाले छोटे वाले हिस्से को पकड़ के ऐसे खींच लेंगे, तो ये लूप बन गया। ये देखिए, ये लूप बन गया। फिर से देखते हैं, ये हमने ऐसे किया, ये देखिए, ये ऐसे इस वाले धागे को पकड़ के ऐसे इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। और ये जो लंबा धागा है, इसको इसके ऊपर ऐसे क्यू जैसा बना लिया। अब फिर इस बीच वाले धागे को पीछे की तरफ लेना है, ऐसे ले लिया। और ये छोटे वाले धागे को पकड़ के खींच देना है, ये लूप बन गया। अब इस लूप में हम अपने ऊन वाले क्रोशिए को ऐसे डाल देंगे और इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे। ये देखिए, ये हमने लूप बना लिया। अब लूप से हम क्रोशिया कैसे चलाते हैं ये सीखेंगे। लूप से हम चेन बनाएंगे। ये देखिए, चेन बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे इस उंगली से ऐसे धागे को बांधना पड़ता है, ऐसे। और इन दोनों हाथों से, इस उंगली से और इस अंगूठे से ऐसे यहाँ पे पकड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इस वाले उंगली से इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे,
ठीक है, ये देखिए मेरे हाथ पे गौर कीजिए, देख रहे हैं आप, ऐसे, ठीक है, ऐसे धागे बांधेंगे इस उंगली में, और इन दोनों उंगली से, इस उंगली से और इस अंगूठे से इसको पकड़ेंगे, ठीक है, इसके नीचे वाले को पकड़ेंगे, क्रोशिया मत पकड़ लेना वरना चलेगा ही नहीं, ठीक है, और इस हाथ से, इस उंगली से इस धागे को के ऊपर रखेंगे, और ऐसे देखिए अब हम क्या करेंगे, इस क्रोशिये को ऐसे इसके नीचे ले गए, ये देखिए ऐसे नीचे ले गए इस धागे के, और इसको जो है ऐसे खींचेंगे, देखिए खींचेंगे तो ये इसके अंदर आ जा रहा है, ये हमने भी बनाया। दूसरा देखते हैं, ऐसे इस धागे में हमने क्रोशिया ऐसे फंसाया और इसको ऐसे खींचेंगे, क्रोशिये को ऐसे मत रख देना वरना ये फंसेगा ही नहीं, क्रोशिये को हमेशा ऐसे रखना है ताकि ये धागे को फंसा के लूप से बाहर निकाले और चेन बनाते जाए, ऐसे देखिए ऐसे फंसाया, ऐसे निकाल दिया, ये देखिए चेन बनना शुरू हो गया। हम इस लूप को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सीखने में आसानी हो जाए। अब ये ऐसे लिया हमने, ऐसे धागे को फंसा के, देखिए ये देखिए ये इसके नीचे अंदर से निकल रहा है, ठीक है, ये देखिए ये इसके अंदर से निकल रहा है, ये देख रहे हैं, इस तरह से चेन बनना शुरू हो गया। हम इतना बड़ा लूप नहीं लेंगे, ये मैं आपको सिखाने के लिए ले रही हूँ कि देखिए ये इसके अंदर से निकल रहा है, ये देखिए ये इसके अंदर से निकल रहा है, ये देखिए चेन बन, इस तरह से ये जो है चेन बन रहा है, बन रहा है, ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए ये चेन बन रहा है, चेन बन रहा है, ठीक है। आप इतना बड़ा लूप मत लीजिएगा, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए बड़ा लूप ली हूँ ना, ये ऐसे छोटा छोटा लूप लेके इसके अंदर से ऐसे ऐसे निकालते चले जाएंगे हम लोग, निकालते चले जाएंगे। शुरू में आप जब क्रोशिया सीखना शुरू कर रहे हैं तब आपसे क्रोशिया बहुत धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो यही क्रोशिया काफ़ी जल्दी जल्दी चलना शुरू हो जाएगा। क्रोशिया की बिनाई बहुत जल्दी जल्दी होती है और बहुत जल्दी ये बढ़ना शुरू होता है, ये देखिए देखा, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्रोशिये से डबल चेन कैसे बनाया जाता है, डबल स्टिच कैसे बनाया जाता है।